आज हम देखते हैं प्रीवियस हम जो लेक्चर्स बना रहे थे इस सीरीज में, इसमें हम देख रहे थे कि लार्जेस्ट नंबर को हम फाइंड आउट कर रहे थे। तो इसके हमने दो वे से बना चुके थे कि पहला तो आइटरेटिव वे से हमने बनाया था कि किसी एक एरे से कैसे हम हाईएस्ट नंबर्स को निकाल सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर को। और इसी तरीके से हमने एक बनाया था जावेट का यूज़ करके HTML API में, HTML API के थ्रू। तो इसमें भी हमने डिफाइन कर दिया था और हमने निकाला था कि मैक्स वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो आज हम तीसरा भी बताते हैं आपको कि किस तरीके से लार्जेस्ट नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो हम चलते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं और इस प्रोग्राम में एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम प्रीडिफाइंड फंक्शन, ऐसा हम डाल सकते हैं। हम प्रीवियस वाले को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मोटिवेट हो और हम अच्छे से अच्छे आपका आपके लिए हम नया नया प्रोग्राम लाएं जो आपके प्रोजेक्ट्स में और आपकी बेसिक चीज़ों में मजबूत करें और आपके फीचर्स के लिए अच्छा हो। ठीक है, तो हम एक एरर लेते हैं और प्लीज़ कमेंट करिए अगर कुछ इश्यू होता है आपको, कोई पॉइंट्स आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, ठीक है, हमने कोई एक एरे ले लिया। अब यहाँ पे हम ठीक है, अब यहाँ पे हम काम कैसा करते हैं कि एक एरे लेता हूँ मैं अभी यहाँ पे जावा एड में यूटिल डॉट, ये है ना जावा डॉट यूटिल की पैकेज से लेना है। और यहाँ पे मैं सॉर्ट मेथड का यूज़ करके एरे को यहाँ पे डिफाइन कर देना है। ठीक है, इतना कर लेते हैं हम। यहाँ पे एक SOP लगाते हैं, SOP लगा के करते हैं हम यहाँ पे फाइंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द एरे। ठीक है, ऐसा हम लिख लेते हैं और फिर हम यहाँ पे कॉन्कनेट कराते हैं इसको। और यहाँ पे एरे हमने एरे अरे इस एरे के अंदर एरे लिया हमने और यहाँ पे एरे डॉट लेंथ हम लेंगे, क्या हो रहा है, एरे डॉट लेंथ किया हमने माइनस वन कर देंगे तो इसकी वैल्यू बराबर हमें मिलती रहेगी। तो ये काम करना चाहिए, हम चेक करते हैं पहले प्रोग्राम ये हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, अगर कर रहा होगा तो ये डेफिनेटली ये देगा क्या लार्जेस्ट नंबर है। बिल्कुल ये सही है हमारा, हमारी ये फर्स्ट वैल्यू सबसे लार्जेस्ट है इस पूरी लिस्ट में से। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम से, और किसी भी अगर आपके पास मैक्सिमम लिस्ट है बहुत सारी फ्रॉम द डेटाबेस से, तो आप उस तरीके से आप किस तरीके से आपको दिखाना है कोई वैल्यू डैशबोर्ड में दिखाना है कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट किया किसी लिस्ट से, तो आप ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत अच्छा है और आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ठीक है, आप प्लीज़ हमारे चैनल्स को सपोर्ट करिए और जो भी इश्यू हो आपको प्लीज़ कमेंट करिए, जिससे कि हम आप लोग को डिफाइन कर पाए कि क्या प्रोसेस है इसका, क्या कैसे ये वर्क कर रहा है, और कुछ इसमें प्रोग्राम में हमारे इम्प्रूवमेंट करना है तो आप प्लीज़ उसको भी कमेंट करिए। थैंक यू, आपको मैं इसी तरीके से अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बताता रहूँगा और हमारे चैनल्स को सपोर्ट करें और शेयर करें जिसको ज़रूरत है ऐसे प्रोग्राम्स की। थैंक यू।